नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे 49.5 डिसमिल यानी कि 49.5 डिसमिल जमीन है तो उसको हम वर्ग फीट में कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जमीन के कागजात में अधिकतर जगह अब देखा जाने लगा है आधुनिक युग में कि डिसमिल में मान दे दिया जाता है, डिसमिल लिख दिया जाता है, तो उसको हम वर्ग फीट में कैसे जानेंगे, स्क्वायर फीट में कैसे जानेंगे। तो चलिए उसी के विषय में जानते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो है डिसमिल का मान हम समझते हैं कि एक डिसमिल का मान कितना होता है वर्ग फीट में। तो दोस्तों, एक डिसमिल का जो मान होता है वर्ग फीट में वो होता है 435.6 यानी कि 435.6 वर्ग फीट बराबर एक डिसमिल होता है। 435.6 स्क्वायर फीट बराबर एक डिसमिल। अब बात करते हैं 49.5 डिसमिल है यानी 49.5 डिसमिल है तो इसको हम क्या करेंगे, 49.5 को गुना कर देंगे 435.6 से। जब गुना कर देंगे तो निकल के आपका आपको आ जाएगा 21,562.2 21,562.2 वर्ग फीट। तो ये जो है टोटल वर्ग फीट निकल गया है 49.5 डिसमिल का यानी कि 49.5 डिसमिल का ये टोटल वर्ग फीट निकल गया है। तो इस तरह से हम जो भी डिसमिल दिया है तो डिसमिल का जो मान है उससे हम गुना कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वह डिसमिल जो है डिसमिल दिया हुआ है, हमें मान जानना है वर्ग फीट में, तो वर्ग फीट का मान देना है डिसमिल का, उससे हम गुना करेंगे तो टोटल वर्ग फीट निकल जाएगा। या फिर मान लीजिए अगर हमको इसके साथ साथ कड़ी में भी जानना हो तो क्या करेंगे, कड़ी के जो कड़ी का जो साइज होता है, मतलब कड़ी का जो मान होता है एक डिसमिल का, उससे हम गुना कर देंगे तो टोटल वर्ग कड़ी निकल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए कड़ी का भी मान बता देते हैं। कड़ी का जो मान होता है डिसमिल में वो होता है 1000 वर्ग कड़ी बराबर एक डिसमिल। अगर हम उसको वर्ग कड़ी में जानना चाहेंगे तो 49.5 को गुना कर देंगे 1000 से, तो वो टोटल आपको निकल के आ जाएगा 49,500 वर्ग कड़ी यानी स्क्वायर कड़ी। तो इस तरह से हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें वर्ग फीट में या फिर वर्ग कड़ी में डिसमिल को जान सकते हैं। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।